जय हिंद एवरीवन। अगर इस बार वर्दी नहीं ले पाओगे ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा वर्दी लेना। हमारे देखने में तो इस तरह से भर्ती नहीं निकाली जाती थी, मतलब पहली बार इतना ज़्यादा भर्ती निकाला गया है। बहुत सारे लोगों को सीआरपीएफ की नई भर्ती के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको सीआरपीएफ की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अभी देखो, एक सीआरपीएफ का जो भर्ती निकाला गया है उसमें 9212 वैकेंसी है, उसका तो अभी ऑनलाइन चालू है, तो सब लोग उसमें जाकर ऑनलाइन करा रहे हैं। आज मैं भी जा रहा हूँ ऑनलाइन करा लेने। उसको छोड़ दोबारा सीआरपीएफ की नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है, और इस बार ना 10,000, 20,000, 50,000 भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है, सीधे 1,29,000 से ज्यादा वैकेंसी निकाला गया है। अब आप लोग सोचो यार, इतना ज्यादा वैकेंसी कभी निकाला ही नहीं गया था। हम तो जब सोच रहे हैं ना तो हमें लग रहा है कि कोई फेक नोटिफिकेशन है, लेकिन फेक नोटिफिकेशन नहीं है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर सिंपल 10 पास हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी लोगों के लिए सीआरपीएफ की तरफ से नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। मैं आप लोगों को सारा का सारा नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूँ। जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे ना, उन लोगों को कुछ पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसमें सबसे पहले दौड़ कराया जाएगा या पेपर कराया जाएगा, और पेपर कराया जाएगा तो पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें माइनस मार्किंग रहेगा या नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसमें एज कितना मांगा है, सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है ना। तो चलते हैं पहले इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, सारी चीज़ें देख लेते हैं। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, इसलिए खुशी हो रही है ना, ये जो सीआरपीएफ का नया नोटिफिकेशन निकाला गया है, इसमें अग्निवीर में जो लोग भर्ती हो चुके हैं उन लोगों के बारे में भी बहुत सारी चीजें लिखी गई है। तो मतलब मिला जुला कर जो लोग अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि मतलब अगर वो लोग उसमें भर्ती हो जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं, जैसे उसमें से रिटायर होने के बाद कहीं ना कहीं वो लोग लग जाएंगे। पहले तो सिर्फ न्यूज पेपर में लिखा जाता था कि मतलब अग्निवीर वालों को इतना परसेंट इसमें छूट मिलेगा, उतना परसेंट उसमें छूट मिलेगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में सीआरपीएफ के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि अग्निवीर वालों को दौड़ में भी छूट मिलेगा और उम्र में भी छूट मिलेगा। तो चलते हैं सारी चीजें पहले देख लेते हैं इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी बातें लिखी गई है, जो मेन मेन पॉइंट है वो पूरा का पूरा पॉइंट बताने का कोशिश कर रहा हूं, जिससे आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलेगा। ये भर्ती गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और ये नोटिफिकेशन 5 तारीख को रिलीज किया गया है, 5 अप्रैल को रिलीज किया गया है। यहां पर भी बहुत सारी बातें लिखी गई है। ये पूरा नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना। अभी नीचे चलते हैं। यहां पर बताया गया है कि लड़कों के लिए कितना भर्ती निकाला जाएगा और लड़कियों के लिए कितना भर्ती निकाला जाएगा। भारत के मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए 1,29,929 वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें लड़कों के लिए 1,25,262 वैकेंसी रहेगा और लड़कियों के लिए 4,667 वैकेंसी रहेगा। ये सब चुनाव का खेला है भाई। मेरे देखने में तो एक साल इतना ज्यादा वैकेंसी कभी नहीं निकाला गया था। जो इस बार वर्दी नहीं ले पाएगा ना, वो कभी जिंदगी में नहीं ले पाएगा। देखो इसके सैलरी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, 21,700 से इसका सैलरी शुरुआत होगा और लास्ट 69,100 रुपया तक रहने वाला है। अब नीचे यहाँ पर इसके एज के बारे में बताया गया है, यहाँ पर लिखा गया है सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा, मतलब ये सीधी भर्ती की जाएगी तो जैसे जो आयु रहेगा ना, मिनिमम आयु 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आयु 23 साल होना चाहिए। एज में कुछ छूट भी मिलेगा, यहाँ पर लिखा गया है आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी। जैसे जिस दिन से हम लोग का ऑनलाइन चालू होगा उस दिन आप लोग का 18 साल पूरा हो जाना चाहिए, और जिनका 23 साल से अधिक हो गया रहेगा ना तो उन लोगों को भी एज में छूट मिलेगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर सारी चीज़ें हिंदी में लिख दिया है ना, इसलिए थोड़ा बताने में कन्फ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर लिखा गया है भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष तक स्थिर की जाएगी। देखो यहाँ पर अग्निवीर वालों के बारे में भी लिखा गया यार, तो काफ़ी अच्छा खासा है, उन लोगों को एज में 5 साल का छूट मिलेगा। और नीचे लिखा गया है कि भूतपूर्व अग्निवीरों के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष स्थिर की जाएगी। जैसे पता है यहाँ पर बताया गया है जो लोग सबसे पहले बैच के थे उन लोगों को एज में 5 साल का अग्निवीर वालों को छूट मिलेगा, और जो लोग पहले बैच के बाद वाले थे उन लोगों को एज में 3 साल का छूट मिलेगा। तो अभी तो वो लोग रिटायर होकर आईबे नहीं किए हैं, तो वो लोग मतलब भर्ती देखने कहाँ से जाएंगे, लेकिन इसमें लिखा गया है इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। क्या है, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य अथवा भूतपूर्व सैन्य कर्मियों की दशा में समतुल्य सैन्य अर्हता, मतलब मिला जुला कर यही कहना है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से सिंपल 10 पास रहोगे, पूरे भारत में किसी भी राज्य से रहोगे, तो इसमें ऑनलाइन करा के भर्ती देखने जा सकते हो। नीचे लिखा गया है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कांस्टेबल साधारण ड्यूटी मतलब जीडी के पद पर भर्ती के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानदंड केंद्रीय
सरकार द्वारा समय समय पर विहित स्कीम के अनुसार लागू होंगे। ये दौड़ वौड़ के बारे में बताया गया है, तो इसमें तो दौड़ 5 किलोमीटर का होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। नीचे लिखा गया है भर्ती के लिए विज्ञापन में उल्लेखित कांस्टेबल जीडी के लिए यथाविहित शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा में अर्हक होना चाहिए। और यहाँ पर देखो फिर अग्निवीर के बारे में लिखा गया है भूतपूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा PET से छूट प्रदान की जाएगी। मतलब अभी तो अग्निवीर भर्ती देखने नहीं आएंगे, लेकिन उन लोगों के बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, तो ये देखकर हमें काफी अच्छा लग रहा है। चलो जो लोग अग्निवीर बन चुके हैं, जो लोग भर्ती हो चुके हैं, तो उन लोगों को इन सब भर्तियों में काफी ज्यादा छूट मिलेगी। पहले क्या कराया जाएगा वो भी आप लोग जान लो। सबसे पहले ऑनलाइन पेपर कराया जाएगा, उसके बाद से फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट मतलब PET कराया जाएगा, उसके बाद से PST कराया जाएगा। PST का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हाइट वेट नापा जाता है। उसके बाद से आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से आपका मेडिकल होगा, उसके बाद से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर इसके पेपर के बारे में बताया गया है, तो पेपर के बारे में समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई। आप लोगों का जैसे निगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4 का, 2 घंटे का आप लोगों का टाइमिंग मिलेगा, और पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा वो सारी चीजें यहाँ पर दे दी गई है। हिंदी या इंग्लिश में से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 नंबर के रहेंगे, और मैथ में से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 नंबर के रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस GK के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 नंबर के रहेंगे, और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के। तो आप लोग इसको देख लेना, ठीक है ना, यही सब आप लोगों को पढ़ना है। जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे उनको CRPF के बारे में सारी चीजें पता चल गई होंगी। देखो इसका ऑनलाइन कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में कराया जाएगा ये अभी नहीं बताया गया है, अभी सिर्फ शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है। जैसे ही इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है मेरे भाई। ये जो CRPF की भर्ती निकाली गई है SSC के थ्रू कराई जाएगी, और SSC के तरफ से मतलब कोई भी भर्ती कराई जाती है ना, तो मतलब उसमें सबसे पहले पेपर कराया जाएगा। जब पेपर हो जाता है, पेपर पास हो जाते हैं सब, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तब दौड़ के लिए बुलाया जाता है। और इसमें बहुत नॉर्मल दौड़ होता है, 5 किलोमीटर का दौड़ कराया जाता है, लेकिन हाइट 170 सेंटीमीटर लगता है। SC ST वाले जैसे कैटेगरी के हिसाब से कुछ लोगों को हाइट में छूट भी मिल जाता है, भर्ती निकाला नहीं जाता है। पता है इस तरह से भर्ती क्यों निकाला जा रहा है? आप सभी लोगों को एक बात अच्छी तरह से पता है, आने वाले समय में बहुत जल्द चुनाव होने वाला है, तो इसलिए इस तरह से भर्ती निकाला जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा लोग भर्ती हो। जब युवा लोग भर्ती होकेंगे तो उन लोगों के घर वाले खुश होकेंगे, वो लोग सोचेंगे सरकार तो बहुत बढ़िया है, मतलब सभी लोगों के घर में नौकरी मिल रहा है, तो इस तरह से निकाला जा रहा है। इसका मतलब मौके का फायदा उठा लेना है, ठीक है ना, नहीं तो पता नहीं आने वाले समय में किस तरह से भर्ती निकाली जाएगी, किस तरह से नहीं निकाली जाएगी, और निकाली जाएगी तो पता नहीं सरकारी माध्यम से रहेगी या प्राइवेट माध्यम से रहेगी, किसी को कुछ पता नहीं है। आप लोग मेरे बात को समझने का कोशिश करना, कभी भी कोई भी नियम लागू कर दिया जा रहा है, कभी भी कुछ मतलब बदलाव कर दिया जा रहा है, इसलिए आप लोग को मौके का फायदा उठा लेना है। सिर्फ दिन रात एक रूम में बैठ कर पढ़ाई करो। हम लोग तो जिस तरह ग्राउंड में दौड़ने जाते थे ना, उसी तरह से पहलवान भाई हम और 2-4 दोस्त मतलब मिलकर एक रूम में दिन भर पढ़ाई करते रहते हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जितने लोग अग्निवीर की तैयारी में लगे हुए हो लगे रहना। जय हिंद।